आइए, अपने आज जो बात करने जा रहे हैं, मानव विकास सूचकांक की बात करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए, मानव विकास सूचकांक HDI, मानव विकास सूचकांक HDI। कुछ बातें हैं जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, और हमेशा आपको बताता रहता हूं। आप जानते हो कि ये जो सूचकांक है, ये जो मानव के विकास को मापने का एक स्केल है, ये मानव के विकास को मापता है। पाकिस्तान में एक महबूब उल हक हुए हैं, वो इसके जनक है, और इसमें जो उनके सहायक के तौर पर रहे थे वो थे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसका लेटेस्ट आंकड़ा हमारे सामने आया है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो 2022 का है, ध्यान रखें ये, ठीक है ना। इसको 2022 बोलते हैं, HDI 2022, जो कि मार्च 2024 में जारी हुआ है। समझ में आई बात सारी? ज्यादा सहूलियत के तौर पर इसको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है आपको, 2022-23। समझे बात को? ये ऐसे होता है, तो इसलिए यहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई जगह 2024 भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, क्योंकि 2024 में इसके आंकड़े आए हैं ना, इसलिए इसको बता दिया गया है। ये जो जारी हुआ है, ये जारी हुआ है मार्च 2024 के अंदर, और इसको जारी किया गया है UNDP के द्वारा। UNDP के बारे में आप जानते ही हो, ये होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1965 में। इसका जो हेड ऑफिस है ये है न्यूयॉर्क, और इसके जो हेड है ये है अकीम स्टीनर, इसके हेड है अकीम स्टीनर, इसके हेड है। इसके आधार तीन होते हैं, तीन बेस होते हैं इसके, ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बेस है, आयाम कितने हैं इसके? तीन होते हैं। एक तो होती है साक्षरता दर, मतलब उस देश की लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर। और दूसरी जो होती है वो होती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और जो तीसरा जो इसका आयाम होता है, एप्टीट्यूड जो होता है, जो बेस होता है, आधार होता है, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको आप कह सकते हो जीवन प्रत्याशा, इसको आप कह सकते हो। और कई जगह यहां पर आपको मिल जाएगा स्वास्थ्य, हेल्थ, जीवन प्रत्याशा भी मिल जाएगा। ये तीन इसके आधार होते हैं, इनको भूल के भी मत भूल जाना, ध्यान रखना। क्लियर? अब ये जो रिपोर्ट दी गई है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, इस रिपोर्ट को जो नाम दिया गया है, या आप ये कह सकते हो
ये जो 2022 है, इस रिपोर्ट को जो नाम दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, इसका भी आपने ध्यान में रखना है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक इसको नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो हो गया जारी। इसमें जो टोटल देश इस बार इन्होंने रखे हैं वो है 193। यूएनओ में भी जो टोटल देश होते हैं वो 193 ही होते हैं, 193 टोटल देश। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो वैल्यू होती है, मान जो होता है, वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। स्कोर जो होते हैं, अंक जो होते हैं, वो दिए जाते हैं 0 से 1 के बीच में दिए जाते हैं। इसमें जो पहले नंबर पर देश है वो है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर जो है वो है नॉर्वे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश जिसे कहा जाता है नॉर्वे, और तीसरे नंबर पर जो है आइसलैंड। ये तीनों यूरोपियन कंट्री है, इसका आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। एसएससी के मेंस में ये क्वेश्चन आ गया था, क्रम से व्यवस्थित करवा लिया था, ध्यान रखना। ये तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। अब देखिए, वैसे तो 3 से ही काम चल जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि चौथा भी दे दिया, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे दे दिए, तो आप समझ जाओगे आराम से। मेरे हिसाब से 3 याद रखिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और लास्ट जो है 193वां स्थान सोमालिया, मतलब सबसे कम मानव विकास सूचकांक जो है सोमालिया का है। ये सोमालिया अफ्रीकन कंट्री है, ये समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये हिंद महासागर की सीमा इसको टच करती है, काफी चर्चा में भी रहता है ये सोमालिया। चले आइए, अब यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे सामने इस रिपोर्ट के अंदर, वो है भारत का स्थान। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो भारत का स्थान है वो है 134वां। और आपको यहां ध्यान रखना है कि इस स्थिति में भारत को कितने स्कोर मिले हैं, इस स्कोर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्कोर भी पूछे गए हैं, ध्यान रखना। ये स्कोर है 0.644, 0.644 ये स्कोर है। अब अकेला इससे काम नहीं चलेगा, आपको जो इससे पिछले का जो HDI था इंडिया का, उससे आपको कोरिलेट रखना है इसको। 2021 में जो था, या आप कह सकते हो 2021-22, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर बिल्कुल भी, ध्यान रखना। कई जगह 2024 भी मिल जाएगा, 23 भी मिल जाएगा, गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी। हाँ, ज्यादा ज्यादा 2022-23 कह सकते हो, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। यहां जो था भारत का स्थान था 135वां, मतलब एक अंक में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, आप कह सकते हो एक अंक में सुधार। इससे पिछले के 2 साल यदि आप देखोगे तो उसमें गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार
वृद्धि हुई है, मतलब हम मानव विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस समय जो स्कोर था ये था 0.633, याद भी रह जाएगा, उधर 4-4 है, इधर 3-3 है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसको, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये टॉप 3 है। हालांकि चौथे नंबर पर हांगकांग है, वहां तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। पांचवें नंबर पर स्वीडन है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जानबूझकर आपको लिखाए भी नहीं। लास्ट सोमालिया है, भारत का स्थान आपको बता दिया मैंने। चलिए क्लियर होगी बात सारी। कुछ नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, देखिए मैं बात कर रहा हूं 1990 के बाद। क्यों बात कर रहा हूं मैं 1990 के, क्योंकि सबसे पहले जो HDI जारी किया गया था वो 1990 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे हम आज की तुलना करनी है। 1990 के बाद यदि मैं बात करूं, मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूंगा दो तथ्यों की। एक तो भारत में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, एक तो मैं इसकी बात करना चाहूंगा, एक मैं बात करना चाहूंगा भारत में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। भारत में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, ये है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है ये तो 287% बढ़ी है, मतलब पिछले 34 सालों में भारत में प्रति व्यक्ति आय में जो ग्रोथ हुई है वो 287% बढ़ी है भारत में, ठीक है ना। और आय के रूप में आप देख सकते हो जो आंकड़ा दिया गया है, ये बताया गया है 5.75 लाख, मतलब प्रति व्यक्ति भारत की जो बताई गई है HDI के आधार पर 5,75,000, 5,75,000, 5.75 लाख। और जीवन प्रत्याशा में जो है 9.1 वर्ष बढ़ी है, 9.1 वर्ष बढ़ी है। और HDI के आधार पर जो यहां पर जीवन प्रत्याशा इंडिया के बारे में बताई गई है वो बताई गई है 67.7 वर्ष। ये बताई गई है, ये बताई गई है। तो दो आंकड़े मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ ही क्या है, एक सूचकांक और जारी किया गया है, उसका नाम है लैंगिक असमानता सूचकांक। हेडिंग डाल दीजिए लैंगिक असमानता सूचकांक, इसको कहते हैं GII, जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स, इंग्लिश में आप लिख सकते हो। नहीं नहीं इसी के अंदर है ये अलग से जारी करने लगे हैं, HDI के अंदर ही डालिए आप इसको। तो स्पेस नहीं है तो आपको दो मशवरे दे देता हूं, या तो पेज खराब ना हो इसलिए लिखो ही मत, नहीं तो अपने हिसाब से कहीं लिख लो।
भाई यदि आपको लगे कि मैं पेज खराब नहीं कर सकता तो मत लिखो, नहीं तो अब जो चीजें हैं वो करनी तो पड़ेगी ना। अब कई बार पेज कम रह जाता है, कई बार ज्यादा रह जाता है। जी आई आई आई, समझ गए, जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स, ये भी 2022 का है, अभी लेटेस्ट आया है, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भारत का स्थान है इसमें ज्यादा वैसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 108वां है भारत का, 108वां स्थान है भारत का, ठीक है। और स्कोर प्राप्त किया है 0.437, यहां आपको यह ध्यान रखना है कि GII 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, इससे पहले कितना था, इससे पहले था 122 था, तो 2021 में 122 था, और जो 2022 है इसमें 108 है, ये एक अच्छा संकेत है। आप ये कह सकते हो कि 40 अंक की उछाल है ये, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, 14 अंक की उछाल है ये, 14 अंक की उछाल, तो भारत ने 14 अंक की उछाल की है, किसमें, जीआईआई में। जीआई क्या है, ग्लोबल इनइक्विलिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, कहने का अर्थ यह है महिला और पुरुष में भेदभाव। तो यह रिपोर्ट हमें यह बताती है, 14 अंक की उछाल हमें यह बताती है कि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष मतलब 2021 की तुलना में 2022 में हमने महिलाओं को समान रखने का प्रयास किया है। समझ में आई बात सारी, हमने लैंगिक समानता बढ़ाई है, इसके कहने का अर्थ यह है, ठीक, क्लियर होगी बात सारी। महिलाओं में सम्मान की भावना हमने पैदा की है महिलाओं के लिए, ये अंक बताते हैं हमें, महिलाओं को हमने दर्जा दिया है। समझ में आई बात सारी, लेकिन यहां पर एक और हमारे सामने स्थिति आई है, वो स्थिति यह है कि महिलाओं की, दो मिनट रुक जाना, श्रम बल में भागीदारी, श्रम बल, पार्टिसिपेट इन लेबर फोर्स, इसका क्या मतलब है कि काम धंधे में, वर्किंग के अंदर, ठीक है ना, नौकरी पेशा में, ऐसे समझिए, महिलाएं जो नौकरी करती है पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, ऐसे समझिए, उसमें गिरावट दर्ज की गई है, वो गिरावट है। और असमानता सूचकांक, इसको तो हमने पार कर लिया, तो एक लाइन लिख दीजिए, लेकिन श्रम बल भागीदारी में अंतर 47.8% प्राप्त हुआ है, यह आंकड़ा इंपोर्टेंट है, 47 लगभग 50% अंतर प्राप्त हुआ है, आप खुद सोचिए। यदि मैं श्रम बल भागीदारी की बात करूं आंकड़ों के रूप में पुरुष और महिला की, तो पुरुषों की जो श्रम बल भागीदारी रही है यह है 76.1%, 76.1%, और महिलाओं की जो है
ये है लगभग 28%, 28 लगभग। परसेंट के आसपास। माइनस आ रहा है क्या? थोड़ा सा एक्यूरेट देखना हो तो देख लेना। आगे ना, ठीक है, ये है जी। तो लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें तो हमने उछाल की है, मतलब हम महिलाओं को समानता देने में, पुरुषों के समान समानता देने में आगे आए हैं, जबकि श्रम बल भागीदारी में ये बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है, 47.8%। अलग अलग देखोगे तो 76.1% पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 28.3% है। तो ये था जी आपका HDI 2022, जो कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत का स्थान जो है 134, स्कोर कितना है 0.644, ये बात मत भूल जाना। क्लियर? चलिए जी, ये HDI कंप्लीट हो गया।